नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सब लोगों के सामने ड्यूअल डिग्री के बारे में प्रत्येक लेटर जो मैंने स्टडी किया है वो लेकर आया हूँ और उनके बारे में बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या वैलिड है, क्या इनवैलिड। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आफ्टर दिस। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है जो बच्चों को बहुत ही डाउट पैदा कर देती है बच्चों के मन में। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एज पर UGC गाइडलाइन, मेरा इसमें कोई अपना मत नहीं है, ठीक है, सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी UGC और इग्नो से है, ठीक है, इसमें मेरा कोई अपना व्यक्तिगत कोई भी मत नहीं है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, ठीक है, UGC और इग्नो से, ठीक है, तो ये सब अथेंटिक हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप नेट पर जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा जो मैंने बताया है उस पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2012 से पहले UGC के अनुसार, UGC गाइडलाइन के अनुसार कोई भी ड्यूअल डिग्री या सर्टिफिकेट कोई भी वैलिड नहीं था, सब इनवैलिड थे, ठीक है। लेकिन 2012 के बाद UGC ने दो डिग्री वैलिड कर दी कि आप दो डिग्री डिफरेंट यूनिवर्सिटी से दे सकते हो, लेकिन उनका एक का मोड होना चाहिए प्राइवेट और एक का मोड होना चाहिए रेगुलर, या एक का ओपन एक का रेगुलर, ठीक है। तो ये वैलिड हो गई 2012 से लेकर 2016 तक। फिर 2016 में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, लेटर निकाला कि जो 2012 से पहले था वही रहेगा, यानी कोई भी डिग्री अब वैलिड नहीं होगी, एक साथ जो ली हुई है कोई वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन 8 जून 2012 को 14th मीट में इन्होंने एक लेटर निकाला, उसमें उसने कहा कि आप एक डिग्री प्लस एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, एक डिग्री प्लस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, दो डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, दो सर्टिफिकेट एक साथ कर सकते हैं, लेकिन दो डिग्री एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन इनका जो मोड होना चाहिए जो आप कर सकते हैं, डिग्री प्लस डिप्लोमा या डिग्री प्लस सर्टिफिकेट या दो डिप्लोमा या दो सर्टिफिकेट, एक होना चाहिए प्राइवेट और एक होना चाहिए आपका रेगुलर या ओपन, या एक ओपन एक रेगुलर, या एक प्राइवेट या एक रेगुलर, ये मोड होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों वैलिड हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उस टाइम पर यू कैन नॉट यूज देयर योर बोथ डिग्री, आप दोनों जो आपका डिग्री या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट उनको यूज नहीं कर सकते, केवल आप एक ही चीज़ को शो कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप डिग्री शो कर सकते हैं या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको एक, अगर आप एक दिखाएंगे तो वो आपकी इनवैलिड नहीं होगी, अगर आप दो दिखाओगे तो वो इनवैलिड हो जाएगी और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में या मुझसे फ़ोन कर पूछ सकते हैं। चलिए, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताना कमेंट्स में। तब तक कोई और अच्छी खबर होगी तब फिर जाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।